हम लोग का जितने प्रोजेक्ट अभी नेक्स्ट आने वाले हैं उस सारे प्रोजेक्ट में इस तरह का फ्लैट मिलेगा जिसमें मध्य वर्ग के लोग उसमें लेके रह सकते हैं। अच्छा, अब जी को एक बहुत बड़े बड़े टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, उसमें हर एक वर्ग के लिए हम लोग मकान बना रहे हैं। जैसे कि हर एक आदमी को घर का एक सपना, बहुत बड़ा सपना होता है। आशीर्वाद जी को हर एक वर्ग के लिए फ्लैट बना रहे हैं। बिहार में रियल एस्टेट का जो है कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है और कई ऐसे रियल एस्टेट कंपनी हैं जो बिहार में अपना पांव पसार रही है। ऐसे में आशीर्वाद इंजीकोन जो है वो भी एक मजबूती से पटना के लोगों के साथ साथ और बिहार पटना से बाहर भी तमाम जगह पर प्रोजेक्ट को लेकर के जो है लगातार नए नतीजों को लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीर्वाद इंजीकोन के CMD अजय सिंह जी मौजूद हैं। अजय जी, सभी लोग तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे, जो अभी भी ये देखा जाता है, जो अगर आप पटना, दिल्ली, मुंबई तमाम जगह आप ले रहे हैं, फ्लैट बुक कर रहे हैं, रहने के लिए घर बुक कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखा जाता है जो अमीर लोग ही सोचते हैं फ्लैट लेना है, अरे भाई बहुत पैसा लग जाएगा। आखिर मध्यम वर्गीय लोग जो कि पहुंच सके, जो कि मान लीजिए उसके लिए कुछ आप बना सकिए, ये कुछ प्लान किए हैं आशीर्वाद जी को, ये प्लान की है? देखिए, आशीर्वाद जी को हर एक वर्ग के लिए फ्लैट बना रही है। देखिए, हर एक आदमी को घर का एक सपना, बहुत बड़ा सपना होता है। अभी हर एक आदमी सोचता है कि घर कैसे हो। आज की महंगाई के जमाने में घर लेना सबसे कठिनाई का काम है। तो आशीर्वाद इंजी को एक बहुत बड़े बड़े टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, उसमें हर एक वर्ग के लिए हम लोग मकान बना रहे हैं। जैसे हम लोग 35 लाख से लेके हम लोग 60 लाख तक का घर बना रहे हैं, उसमें हर एक आदमी के लिए सुख सुविधा के साथ हम लोग घर देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना या इन तरह से जो भी चीजें जानने को सुनने को मिलती है, जैसे सूरत का एक मैटर से जानने को आया, जो वो ऐसा डेवलप किया जा रहा है चीज, जो गरीब तबके के लोग भी, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं या मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं, वो लोगों भी अब घर ले सकें, क्या पटना में इन तरह की चीज करने के लिए अजय सिंह जी क्या करने वाले हैं आगे आने वाले समय? पटना में भी इस तरह के लिए हम लोग 1 BHK, 2 BHK भी इन लोगों के लिए फ्लैट ला रहे हैं जो मध्य वर्ग के हैं, जिनकी कम इनकम है। उसमें गवर्नमेंट भी 2.5 से 3 लाख रुपया का राशि मुहैया कराती है, उन लोगों के लिए भी हम लोग फ्लैट बना रहे हैं। ये कब से शुरू होने वाला है? हम लोग का जितने प्रोजेक्ट अभी नेक्स्ट आने वाले हैं उस सारे प्रोजेक्ट में इस तरह का फ्लैट मिलेगा जिसमें मध्य वर्ग के लोग उसमें लेके रह सकते हैं। अच्छा, अभी सबसे जो बहुत चर्चित आपका प्रोजेक्ट है रोज वैली करके, जो हम देख रहे हैं अखबार में तमाम जगहों पर, इसको लेकर के अभी भी ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे? कितने अभी बचे हुए हैं फ्लैट लोग ले सकते हैं, या कितने फ्लैट अभी लोग ले लिए हैं, या फिर कैसे इसको बना रहे हैं, क्या आधुनिक चीज है? आशीर्वाद दिनजी कौन का एक प्रोजेक्ट है रोज वैली, वो बहुत प्रीमियम फ्लैट हम लोग बना रहे हैं जी, जो उसमें हर एक आदमी के लिए सुख सुविधा के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। उसमें हम लोग का स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, मंदिर है, जॉगिंग ट्रैक, मतलब सब तरह का। उसमें हम लोग का कुछ कमर्शियल भी है जिसमें शॉपिंग वगैरह लोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरह का वो प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद थे, जिनसे हम तमाम चीजों को लेकर बात कर रहे थे। और ऐसे में बिल्कुल जो बिहार में रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, कारोबार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ अपना आशियाना वो कैसे ले पाएंगे आने वाले समय में, या क्या उसके लिए कुछ सोच रहे हैं जो तमाम बिल्डर हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। बाकी ऐसे बड़ा अन्य खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे TV। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।